नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति गोयल, मैं नयति मेडिसिटी मथुरा में इंटरनल मेडिसिन विभाग में विभाग अध्यक्ष हूँ। और आज विश्व मलेरिया दिवस पे मैं आप सबको बधाई देती हूँ। और ये विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं ताकि हम मलेरिया को जड़ से मिटा सकें। हमें सबको पता है कि मेडिकल साइंस के इतना प्रोग्रेस करने के बाद भी विकासशील देशों के अंदर मलेरिया के बहुत सारे पेशेंट्स अभी भी हैं, मलेरिया अभी भी काफ़ी अधिक मात्रा में है और मलेरिया से काफ़ी जाने भी जा रही हैं। अगर कुछ डेटा को एनालाइज करें तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो करीबन 0.5 मिलियन पीपल आर स्टिल डाइंग फ्रॉम मलेरिया। तो मलेरिया पूरी तरीके से एक प्रिवेंटेबल इलनेस है और इस बार के विश्व मलेरिया दिवस का थीम भी जो है इरेडिकेट मलेरिया और कंट्रोल मलेरिया फॉर गुड रखा गया है कि हम मलेरिया पे हमें पूरी तरीके से विजय प्राप्त करनी है, ना केवल इसको कम्प्लीटली इरेडिकेट करना है बल्कि कोई भी जान मलेरिया की वजह से नहीं जानी चाहिए। तो मलेरिया हम सबको पता है कि मच्छर के काटने से होता है और इस मलेरिया का मच्छर यूजुअली रात में काटता है। तो जब भी आप मच्छर के काटने से बचें, जिसके लिए बहुत आसान तरीका है कि पूरे कपड़े, पूरी स्लीव्स के कपड़े पहन करके बाहर घर से बाहर निकलें, इंसेक्टिसाइड स्प्रेस का यूज़ करें, मॉस्किटो नेट का प्रयोग करें, मॉस्किटो के ब्रीडिंग साइट्स को कंट्रोल करें, जगह जगह गंदगी इकट्ठी ना होने दें। तो इस तरीके से मच्छरों को पनपने से रोकें, मच्छरों के काटने से बचें। और अगर मलेरिया अगर हो जाता है तो उसके लक्षणों को पहचानें ताकि जल्दी से जाँच करा करके उसका उचित टाइम पर इलाज हो सके। तो मलेरिया के लक्षण जो हैं वो एक आम बुखार की तरह ही है, तेज़ बुखार आना, सर्दी लगकर बुखार आना और शरीर पर दाने हो सकते हैं, बहुत सर में दर्द हो सकता है और कभी कभी फ्लू लाइक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो बाकी बुखारों से इसको बिना जांच की मदद से बाकी बुखारों से इस डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसको जब भी अगर हल्का भी कोई बुखार में शक है कि ये मलेरिया हो सकता है तो तुरंत ही जाँच कराएँ। इसकी जाँच बहुत ही सस्ती और आसानी से उपलब्ध जाँच है, तो इसकी जांच करने में देर ना करें क्योंकि देर होने की स्थिति में, अनडायग्नोस्ड रहने की स्थिति में ये जानलेवा हो सकता है। तो जल्दी से जांच करें, जांच करते ही तुरंत मलेरिया के बीमारी का पता लग जाता है और अगर मलेरिया का कीटाणु अगर है ब्लड के अंदर तो उसका तुरंत इलाज संभव है। तो किसी भी क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर से तुरंत ही दवा शुरू करें और इसका पूरी तरीके से इलाज करा करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं। मलेरिया यूजुअली जो है जानलेवा नहीं होता, पर अगर टाइम पे डायग्नोस ना हो या सीरियस मलेरिया वाली जाति का संक्रमण हो जाए, जैसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम या जिसको बोलते हैं ब्रेन फीवर या सेरिब्रल मलेरिया जो करता है, वो कभी कभी जानलेवा होता है। तो फैल्सीपेरम मलेरिया होने की स्थिति में तुरंत ही डॉक्टर से मिलें और इसका तुरंत ही इलाज कराएँ, क्योंकि अगर टाइम पे इलाज नहीं हुआ तो ये ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है, किडनी को अफेक्ट कर सकता है, बॉडी के किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट करके मल्टी ऑर्गन फेलियर करा सकता है, डेथ का कारण बन सकता है। तो मैं आपको लास्ट में यही संदेश देना चाहूँगी कि मलेरिया, सबसे पहले तो मलेरिया का प्रिवेंशन करें, उसके प्रिवेंशन के लिए मच्छरों के काटने से और मच्छरों की ब्रीडिंग साइट्स को कंट्रोल करना है और मलेरिया, कोई भी बुखार होने की स्थिति में मलेरिया की जाँच करानी है और जल्दी डायग्नोसिस करके उसका इलाज करना है।